हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग फाइन टुडे। तो देखिए, सिलोजिज्म के थर्ड पार्ट में हम आ गए हैं। इससे पहले दो पार्ट हमारे सिलोजिज्म के हो चुके हैं। जिसको भी क्विकली जानना है कि उन दो पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था, उनके लिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने सिलोजिज्म होता क्या है, कॉन्सेप्ट कि उसको किसको सिलोजिज्म बोला जाता है, कैसे स्टेटमेंट होते हैं, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है उसे सिलोजिज्म बोला जाता है, उसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और उनको वेन डायग्राम को यूज़ करके किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ये हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में। और वेन डायग्राम के बेस पे एक दो क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट के लास्ट में एंड में हमने किए थे। और सेकंड पार्ट में हमने वेन डायग्राम के बेस पे ही कुछ क्वेश्चंस और किए थे। एग्जाम्पल्स हमने 5-6 के अराउंड किए थे, जिसमें दो स्टेटमेंट या दो कंक्लूजन के अराउंड थे। मतलब बेसिक बहुत ईजी जो क्वेश्चंस थे उनको हमने ट्राई किया था सेकेंड वाले पार्ट में, ठीक है। तो वो जो इजी क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्लियर हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। थर्ड पार्ट में अब हम थोड़ा सा एडवांस हम लेवल जाएंगे, जिसमें होगा क्या कि स्टेटमेंट्स को हम बढ़ाएंगे और कंक्लूजन्स को भी बढ़ाएंगे। मतलब 3-4 स्टेटमेंट और 3-4 कंक्लूजन्स हम यूज़ करने वाले हैं अब इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपकी बोर्ड पे देखो क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम कैट्स आर रैट्स, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है ऑल बैट्स आर टेबल्स, और थर्ड स्टेटमेंट है ऑल रैट्स आर बैट्स, ठीक है। तो होता क्या था, हम स्टेटमेंट के बेस पे ही वेन डायग्राम को बनाते थे, तो वही करते हैं हम, ठीक है। ये देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट है सम कैट्स आर रैट्स, ये मैं बना लेता हूँ कैट्स, और ये हो गया मेरा रैट्स, ठीक है। तो सम कैट्स आर रैट्स मेरा बन गया है। ऑल बैट्स आर टेबल्स को एक बार रोको, थर्ड वाले स्टेटमेंट को देख लो, ऑल रैट्स आर बैट्स, रैट्स मेरा ये था, तो ये मैं एक बड़ा सर्किल यहाँ बन जाएगा, ऑल रैट्स आर बैट्स, देखो बैट्स को मैंने बी लिख दिया, और ऑल बैट्स आर टेबल्स सेकेंड वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑल बैट्स आर टेबल्स, ये सबसे बड़ा जो सर्किल है वो मेरा टेबल का सर्किल हो चुका है। अब देखिए, ये मेरा स्टेटमेंट के बेस पे जो वेन डायग्राम है वो मैंने बना लिया है। कंक्लूजन देखते हैं कि अब कौन सा कंक्लूजन हमारे स्टेटमेंट्स को, हमारे वेन डायग्राम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन वन देखिए कि सम कैट्स आर बैट्स, सम कैट्स आर बैट्स। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें एक ऐसा केस ढूंढना है जो कंक्लूजन के अगेंस्ट विपरीत चला जाए। अगर ऐसा मिल जाता है एक भी केस, तो हमें वो केस लगा देना है। अगर नहीं मिलता है तो हमें टिक करना ही पड़ेगा उस कंक्लूजन को, ठीक है। कंक्लूजन की यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ मैं, जैसे 1.2 पॉइंट मैं बनाता करूँगा। यहाँ पे देखिए, सम कैट्स आर बैट्स, सम कैट्स आर बैट्स, तो देखो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि सम कैट्स आर रैट्स तो शेयर कर ही रहा है, और ऑल रैट्स आर बैट्स ये बन ही रहा है। तो एक ये पार्ट हमेशा आएगा ही आएगा जो कि कैट और बैट को शेयर करेगा, तो इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। तो ये मेरा टिक हो जाएगा, फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो सही ही होगा हमेशा, ऑल बैट्स आर रैट्स। सेकंड कंक्लूजन देख लीजिए, ऑल बैट्स आर रैट्स, तो ऑल बैट्स आर रैट्स है क्या, नहीं ये गलत है, ऑल रैट्स आर बैट्स है, सम बैट्स आर रैट्स हो सकता है लेकिन ऑल बैट्स आर रैट्स नहीं हो सकता है। तो सेकेंड कंक्लूजन है जो मेरा वो गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है ऑल टेबल्स आर कैट्स, ऑल टेबल्स आर कैट्स, होगा क्या ये नहीं होगा। देखिए मैंने आपको बताया था हमें सिर्फ इतना सा पॉइंट ढूंढना है जो कंक्लूजन को गलत ठहराए, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है सम टेबल्स आर कैट्स अगर बोलता तो हमें टिक करना पड़ता, लेकिन ऑल टेबल्स आर कैट्स यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। इसी केस को ही आप देख लीजिए, सारे ऑप्शंस इसी केस के बेस पे ही अपने हो जाएंगे। फोर्थ अपना जो कंक्लूजन है, ऑल बैट्स आर कैट्स, ऑल बैट्स आर कैट्स, ये है क्या, ये नहीं है। देखिए सम बैट्स आर कैट्स है, सम कैट्स आर बैट्स जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो गया था, ऑल बैट्स आर कैट्स नहीं है, इसी केस को देख के ही हमें पता लग रहा है ये वाली चीज़। तो फोर्थ वाला जो कंक्लूजन है वो भी गलत हो गया है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पिछले जो पार्ट है उसमें भी हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन कंक्लूजन जो थे वो कम थे, उतने ज़्यादा नहीं थे, स्टेटमेंट भी सिर्फ दो ही थे, दो ही कंक्लूजन थे। अब हमने इन क्वेश्चंस में इस तरीके से किया है कि कंक्लूजन्स और स्टेटमेंट्स को बढ़ा दिया है, तो अब कैसे सॉल्व करना है वो देख रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स वही लगेंगे जो हमने पढ़ लिए हैं पहले। तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन थे कि ओनली वन एंड टू फॉलो, ओनली टू फॉलो, ओनली वन एंड फोर्थ फॉलो, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए हमें वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो बोल रहा है कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, तो इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन फोर है जो कि बोल रहा है नन ऑफ दीज, उसको टिक करना पड़ेगा,
ठीक है, ऑप्शन फोर्थ को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जब हमारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन बढ़ेंगे, तीन तीन चार चार पाँच पाँच तक जाएंगे, तो किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया है, आप उसको देख लीजिए और एक बार सोचिए इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। वेन डायग्राम बनाने का ट्राई कीजिए एक बार, खुद से केसेस बनाइए कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं, बाकी हम तो कर ही रहे हैं। देखिए ये बोल रहा है कि सम बोट्स आर शिप्स और ऑल शिप्स आर सबमरीन्स और सम सबमरीन्स आर याचेस। ठीक है, तो इसका मैं केस बना लेता हूँ, वेन डायग्राम बना लेता हूँ, कैसे बनेगा देखते हैं। सम बोट्स आर शिप्स, ये देखिए ये बोट्स का मैंने यहाँ पे बना लिया है बी, और शिप्स का ये मैंने शिप्स को देखो एस एच लिख लेता हूँ, क्योंकि सबमरीन्स भी आने वाली हैं तो एस एस लिखूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपको भी एग्जाम में अप्रोच रखनी है, अगर दो लेटर सेम होने लग जाएं, दो वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हो तो आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, जैसे एस एच कर दो शिप्स को और सबमरीन को एस यू कर देना। ठीक है, ऑल शिप्स आर सबमरीन्स, ऑल शिप्स आर सबमरीन्स, ये मैंने एस यू कर दिया है। ठीक है, और सम सबमरीन्स आर याचेस, तो सम सबमरीन्स मेरी हो गई याचेस, को मैंने वाई लिख दिया है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या क्या बोल रहा है, कंक्लूजन को देख लेते हैं कि सम याचेस आर शिप्स, सम याचेस आर शिप्स। देखिए होने को हो सकता था, ये याचेस इसमें जा सकती थी, लेकिन होगा क्या, मैंने आपको बोला था हमें वो कंक्लूजन, हम वो केस देखेंगे जो कंक्लूजन को गलत बता दे, यहीं पे यही केस है जो कंक्लूजन को गलत बता रहा है, सम याचेस आर नॉट शिप्स यहाँ पे। ठीक है, हो सकता था लेकिन नहीं चाहिए ना, हमें तो वो केस चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो चुका है। सेकंड देखिए, सेकंड कंक्लूजन है सम सबमरीन्स आर शिप्स। ठीक है, सम सबमरीन्स आर शिप्स, देखिए ये बिल्कुल सही है, ऑल शिप्स आर सबमरीन्स का मैंने आपको बताया था, मतलब ही यही निकल जाता है, सम सबमरीन्स आर शिप्स। देखिए कौन सा वाला, यही होगा, यही सर्किल है जो कि सबमरीन्स भी है और शिप्स भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सही है, इसको गलत नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, अगर सही है तो सही ही जाएगा वो। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन देखिए, सम सबमरीन्स आर बोट्स। ठीक है, सम सबमरीन्स आर बोट्स को देख लीजिए, यहाँ पे देखो सम बोट्स आर शिप्स था और ऑल शिप्स आर सबमरीन्स भी था, तो इसका मतलब एक ऐसा एरिया होगा ही होगा हमेशा जो बोट्स और सबमरीन का कॉमन एरिया होगा और शेयर करेगा, कौन सा, देखो ये एरिया बनेगा ही बनेगा, चाहे आप कोई भी केस बना लो इसका, तो इसका मतलब सब सबमरीन्स आर बोट्स तो सही होगा ही होगा। ठीक है, फोर्थ आप देख लो, सम याचेस आर बोट्स, सम याचेस आर बोट्स। ठीक है, ये हो सकता था सही, लेकिन मैंने क्या बताया, हमें वो देखना है केस जहाँ पे कंक्लूजन गलत हो जाए, तो हमें यहीं पे ही वो केस मिल रहा है जहाँ पे सम याचेस आर नॉट बोट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये केस गलत है। देखिए ये बन सकता है सही, यहाँ पे हम बना सकते हैं, मान लो मैं एक केस ऐसा बना दूँ, ये बोट्स, ठीक है, ये मेरा शिप्स हो गया और ये मेरा हो गया सबमरीन्स। ठीक है, अब क्या होता था, इसने बोला सब स्टेटमेंट में बोला था सम सबमरीन्स आर याचेस, मैं मान लो यहाँ बना लेता, ये देखो ऐसे, अब मेरा हो जाता, बोट्स में भी चला जाता याचेस और सबमरीन्स में तो जाता ही जाता, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हमें वो केस देखना है जो गलत बताए कंक्लूजन को, वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो इस केस को हम नहीं देखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम कैसे अप्रोच हमारी लगा रहे हैं और कैसे सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शंस में आपको मिल रहा है, ऑप्शन वन है ऑल फॉलो, ऑल फॉलो का मतलब कि सारे कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सारे कंक्लूजन सही हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, यही चीज़ हो रही है हमारे साथ, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है टू है हमारा आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से, देखो केस बनाने की ज़बरदस्ती केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक केस में ही काम चल रहा है और उसी केस को देख के ही थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो क्यों ज़बरदस्ती सारे केस बनाए हम। ठीक है ना, मैं नहीं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे केस सिर्फ समझाने के लिए बनाया है कि केस बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाएंगे, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो कुछ नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिए,
यहाँ पे लाइव वीडियो तो है नहीं, आप आराम से पॉज करके जो नोट करना हो, अपने हिसाब से नोट्स बनाने हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, आप कर सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ है थर्ड, उसको देख लीजिए कि ऑल पिजन्स आर बर्ड्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है सम बुक्स आर पिजन्स, थर्ड है ऑल बेड शीट्स आर बुक्स, ठीक है। इसको देख लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं कि कैसे बनेगा। ऑल पिजन्स, पिजन्स को मैंने यहाँ पे पी कर दिया है, आर बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स को मैं यहाँ पे बी आर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक्स भी आने वाला है तो कन्फ्यूजन नहीं हो इसीलिए, ठीक है। सम बुक्स आर पिजन्स, देखो सम बुक्स, बुक्स को बी के लिख लेता हूँ, आर पिजन्स, देख आपने देखा होगा किस तरीके से हम पिजन्स और बुक्स को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑल बेड शीट्स आर बुक्स, ठीक है, बेड शीट्स बनाना है जो कि बुक्स के अंदर जाना चाहिए, सारी बेड शीट्स बुक्स हैं। इसका मतलब देखो बेड शीट का एक सर्किल बनेगा छोटा सा, देखो यहाँ पे मैंने बना दिया है बी डी बेड शीट को, ठीक है। तो बेड शीट हो गया बी डी, बुक्स हो गया बी के, और बर्ड्स हो गया बी आर, और पिजन्स हमारा पी है ही, तो ऑल बेड शीट्स आर बुक्स बन गया है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे वो छोटा सर्किल बना है बेड शीट्स का, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे कंक्लूजन क्या कह रहा है। पहला कंक्लूजन देखो, ऑल बेड शीट आर बर्ड्स, ठीक है, ऑल बेड शीट आर बर्ड्स, क्या ये चीज़ है? ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ गलत है। हाँ यहाँ पे तो हमें ये पता लग रहा है कि नो बेड शीट इज़ बर्ड, ऑल बेड शीट इज़ बर्ड्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि सम बेड शीट आर बर्ड्स, क्या सम बेड शीट आर बर्ड्स की भी ज़रूरत है यहाँ पे? नहीं, देखो ज़रूरी नहीं है कि बेड शीट और बर्ड्स आपस में टकराएं और कुछ ना कुछ शेयर करें दोनों सर्किल, ठीक है। इसका मतलब ये भी मेरा गलत हो गया है, सम बेड शीट आर बर्ड्स भी ज़रूरी नहीं है कि ये हो ही हो। मैंने आपको बोला था हमें सिर्फ वो देखना है जो कंक्लूजन के अगेंस्ट में जाए, जो पॉइंट, जो केस, ठीक है। थर्ड देखिए, सम बर्ड्स आर बुक्स, सम बर्ड्स आर बुक्स, देखिए पहले हमें स्टेटमेंट में बोला था कि सम बुक्स आर पिजन्स, ये तो बनना ही बनना था, उसके बाद ऑल पिजन्स आर बर्ड्स, ये भी बनना ही बनना था, तो बर्ड्स और बुक्स आपस में शेयर करेंगे ही करेंगे। कौन सा एरिया? देखो ये वाला एरिया, ये एरिया है जो कि दोनों बर्ड्स और बुक्स शेयर करेंगे। इसका मतलब ये चीज़ तो कोई भी केस बना लो, ये वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा ही करेगा, यानी कि सम बर्ड्स आर बुक्स जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद देखो, ऑल बुक्स आर बर्ड्स, ये हमारा चौथा कंक्लूजन, ऑल बुक्स आर बर्ड्स, ये जरूरी है क्या? ये नहीं है, क्योंकि हमें इसी केस में ये दिख रहा है कि सम बुक्स आर बर्ड्स है, ऑल बुक्स आर बर्ड्स नहीं है। मैंने आपको बताया था केस हम क्यों बनाए, जब हमें एक ही केस में हमें कंक्लूजन के अगेंस्ट में केस मिल रहा है, तो हमें ज़बरदस्ती दूसरा केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक केस में ये देखो सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तो ऑल बुक्स आर बर्ड्स भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? देखो ऑप्शन वन है ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन टू है ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन थ्री है वन एंड थ्री फॉलोज, ऑप्शन फोर है ओनली थर्ड फॉलोज। तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड ही फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो है हमारा थ्री इसका आंसर हो गया है, सॉरी ऑप्शन थ्री नहीं, यहाँ पे ऑप्शन फोर, फोर बोल रहा था कि ओनली थर्ड फॉलोज। देखिए इस चीज़ में कन्फ्यूज मत हुआ करो आप, यहाँ पे जो कंक्लूजन सही गलत जा रहे हैं उनको एक अलग नोट करो, और ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है उसको अलग देखो आप, ठीक है, इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना आप। तो ये आपको आ गया होगा समझ में, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मिटा रहा हूँ अब मैं। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने आप होने लग जाएंगे। पहले हमने एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद दो स्टेटमेंट दो कंक्लूजन वाले किए, अब देखो तीन स्टेटमेंट और चार कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस अब हम करने लग गए हैं। इसके बाद देखो बैंकिंग के, ये भी ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये SBI PO prelims 2015 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप ये मान लो अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप PO लेवल के प्री लेवल को तो आप क्लियर कर रहे हो। इसके बाद जो हमारे वीडियोज़ होंगे वो PO के मेंस लेवल के क्वेश्चंस को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ ही है कि मोस्ट कीबोर्ड्स आर CPUs और नो CPU इज अ माउस, और थर्ड है ऑल माउस आर कीबोर्ड्स, ठीक है। इसका बना लेते हैं कि मोस्ट कीबोर्ड्स आर CPU, मोस्ट कीबोर्ड्स का भी मतलब क्या है? मोस्ट कीबोर्ड्स का मतलब यही है कि कुछ कीबोर्ड्स CPU हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं,
मोस्ट मतलब कि 70% 80% कितना भी हो सकता है, मोस्ट बता दिया मतलब कि कुछ कीबोर्ड हैं वो सीपीयू हैं, बस इतना देखो आप, मोस्ट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कीबोर्ड्स, ठीक है, आर सीपीयूज, ये हो गया सीपीयू। नो सीपीयू इज अ माउस, इसको एक बार रखो, ऑल माउस आर कीबोर्ड, देखो ये बताया हुआ है ऑल माउस आर कीबोर्ड। तो माउस का एक छोटा सा सर्किल मैं यहाँ बना देता हूँ और एम लिख देता हूँ इसको, यही बोला है ऑल माउस आर कीबोर्ड्स, और नो सीपीयू इज अ माउस, ठीक है। तो नो सीपीयू इज अ माउस इसने बोला है, इसका मतलब देखो ये यहाँ पे आप ये लाइन ड्रॉ कर लो, आपको कोई भी अगर यूं लगे ना कुछ बोलिए कि नो सीपीयू इज अ माउस या फिर नो बर्ड इज पिजन, तो आप एक काम करिए, हमेशा एक ऐसे सर्किल बनाइए करेगा, ऐसे बनाना और बीच में एक लाइन दोनों को ऐसे ड्रॉ कर देना, इससे क्या होगा कि ये पता लग जाएगा कि नो दिस सर्किल इज दिस सर्किल, ठीक है, मतलब कि ये दोनों सर्किल आपस में कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने एग्जाम में यूज़ करनी है इस तरीके को, ताकि हमें पता रहे कि नो माउस इज सीपीयू या फिर नो सीपीयू इज माउस, ठीक है। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम स्टेटमेंट का। इसके बाद कंक्लूजन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन है सम सीपीयू आर कीबोर्ड, देखो सम कीबोर्ड आर सीपीयू था तो सम सीपीयू आर कीबोर्ड, ये तो ऑटोमेटिकली ही हो गया, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ये सही है। सेकंड कंक्लूजन देखिए ऑल कीबोर्ड्स आर माउस, देखिए ऑल कीबोर्ड्स आर माउस नहीं होगा, ऑल माउस आर कीबोर्ड था तो सम कीबोर्ड्स आर माउस होगा, ऑल कीबोर्ड्स आर माउस नहीं हो सकता है, तो ये भी ये मेरा हो गया गलत यहाँ पे। थर्ड कंक्लूजन देखिए कि नो माउस इज अ सीपीयू, वही था, देखो नो सीपीयू इज अ माउस का मतलब भी यही होता है कि नो माउस इज अ सीपीयू, तो ये मेरा सही है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। फोर्थ कंक्लूजन देखिए सम माउस आर सीपीयू, सम माउस आर सीपीयू, देखिए पहले ही बोल दिया कि नो माउस इज अ सीपीयू, मतलब कि कोई भी माउस सीपीयू नहीं है, इसका मतलब कि सम माउस आर सीपीयू तो अपने आप गलत हो गया, पहले ही बोल दिया कि कोई माउस सीपीयू नहीं है तो कोई भी माउस सीपीयू क्यों होगा, वही फोर्थ कंक्लूजन हमसे गलत करवाना चाह रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सम माउस और सीपीयू को मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, तो देखिए सारे यहाँ पे मेरे आ गए हैं कंक्लूजन, अब सिर्फ ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन मेरा क्या जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन वन देखो ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन सेकंड है ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, थर्ड ऑप्शन देखो यहाँ पे कि ओनली वन एंड थ्री फॉलोज, यही हो रहा है हमारे साथ, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन थ्री को टिक कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से देखो हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, अब बस लैंग्वेज को समझना है कि लैंग्वेज क्या क्या आती हैं क्वेश्चंस में और किस बेस पे क्वेश्चंस जो कंक्लूजन्स हमें देता है और हमसे पूछे और ऑप्शन कैसे कैसे दिए जाते हैं और किस ऑप्शन को कैसे टिक करना है हमें। बस देखो मैं कोई केसेस नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे एक केस और बनाऊँ एक केस और बनाऊँ क्यों बनाएं जब एक केस बना के ही काम चल रहा है सारा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको देखो आगे प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों को यूज़ करना है, तो बोर्ड पे आपके आगे क्वेश्चन आता ही है और बोर्ड पे क्वेश्चन रखा हुआ ही है, यहाँ पे हट नहीं रहा है वो क्वेश्चन, तो आप सॉल्यूशन जब हमारा होता है तो उस सॉल्यूशन के साथ इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है कि सम आइज आर ईयर्स, ठीक है, उसके बाद है सम ईयर्स आर लेग्स और ऑल लेग्स आर हैंड्स, ठीक है। तो इसका बना लेते हैं वेन डायग्राम, सम आईज, आईज को देखो ई वाई लिख लेता हूं, आर ईयर्स, ईयर्स को मैं ई आर लिख लेता हूं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए जैसे आपको समझ में आए। सम ईयर्स आर लेग्स, ठीक है, सम ईयर्स आर लेग्स, ये मेरा हो गया लेग्स एल, और ऑल लेग्स आर हैंड्स, ये मेरा हो गया हैंड्स, सॉरी। तो देखिए ये तो हमारा वेन डायग्राम बन चुका है, और कोई केस अगर बनाना पड़ेगा तो वो हम बाद में बनाएंगे अगर ज़रूरत लगी तो, वरना कोशिश हमारी यही होनी चाहिए हमेशा कि एक पे एक केस बना के ही वेन डायग्राम का हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, क्यों बार बार बनाएं, क्यों टाइम लगेगा बार बार, एक क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं होता है कि दो दो तीन तीन केस हम वेन डायग्राम के बना के देखें, ठीक है। कंक्लूजन को देखिए कि सम हैंड्स आर आईज, सम हैंड्स आर आईज, देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट ऑप्शन, सम हैंड्स आर आईज, क्या ये ज़रूरी है,
होने को शायद हो भी सकता हो, लेकिन हम क्यों दिमाग लगाएं, हम तो ये देखेंगे कि मेरा जो कंक्लूजन है वो गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ से सीधा का सीधा मेरा कंक्लूजन गलत हो रहा है, सम हैंड्स आर नॉट आइज हेयर इस वाले केस में नहीं है, ठीक है, तो मेरा सीधा सीधा यहाँ पे गलत हो गया है पहला कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन देखिए कि सम हैंड्स आर ईयर्स, तो सम हैंड्स आर ईयर्स, देखो ये सही है एकदम, और ये होगा ही होगा क्योंकि सम ईयर्स आर लेग्स, ये तो पहले ही बोल दिया था, और ऑल लेग्स आर हैंड्स, ये भी हमें स्टेटमेंट ने बोल दिया था, तो सम हैंड्स आर ईयर्स हमेशा बनेगा ही बनेगा। देखो ये वाला एरिया, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एरिया हमेशा शेयर करेंगे ईयर्स और हैंड्स, तो इसका मतलब ये सही है। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड कंक्लूजन क्या है, थर्ड कंक्लूजन है सम लेग्स आर आईज, सम लेग्स आर आईज, ये जरूरी है क्या, हो भी सकता हो, क्या पता एक केस हम बना सकते हैं ऐसा कि जिसमें लेग्स और आईज शेयर करेंगे, मैं मान रहा हूँ ऐसे केस बन सकते हैं, यहाँ पे मैं 5 केस बना के दिखा सकता हूँ वेन डायग्राम के, लेकिन मतलब नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो केस जिस केस की ज़रूरत है बस उतना ही देखो, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है कि कैसे केस बनते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्या बोल रहा था, सम लेग्स आर आईज, ये ज़रूरी है क्या, ये ज़रूरी नहीं है, कंक्लूजन गलत हो रहा है देखो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा केस है जहाँ पे सम लेग्स आर नॉट आईज, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसके बाद तो इसको हमने गलत कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ कंक्लूजन को भी देख लेते हैं कि नो हैंड इज आई, नो हैंड इज आई, देखो ये भी कोई ज़रूरी है क्या, देखो यहीं पर ही आपको दूसरा जो केस है वो बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि इसने बोल दिया है कि नो हैंड इज आई, क्या ये ज़रूरी है, चेक कर लेते हैं कि कोई भी हैंड आई नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं। देखो ये मैं आई बना लेता हूँ, आई को ईयर्स शेयर कर रहे थे, ये कर रहे हैं, उसके बाद ईयर को मान लो ये लेग्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और ऑल लेग्स जो थे वो मेरे हैंड्स थे, ठीक है, ये कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये एरिया है वो शेयर कर रहा है ऑल हैंड्स नहीं सम हैंड्स और आईज, ये आपस में एक एरिया शेयर कर रहा है, तो मेरा कि कोई भी हैंड आई नहीं होगा ये 100% श्योर है कि ये वाली चीज़, ये चीज़ श्योर नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो गई है मेरी, ठीक है। अगर ये केस नहीं बन सकता होता तो मैं इस ऑप्शन को सही कर देता कि नो हैंड इज आई, लेकिन ऐसा नहीं है, सम हैंड्स कैन बी आई, ठीक है, कुछ हैंड्स कुछ आईज हो सकते हैं, इसका मतलब नो हैंड इज आई वाला केस गलत हो गया है। तो यहाँ से देखो मेरा क्या ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ से मेरा ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है नन फॉलोज, मतलब कि कोई भी फॉलो कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड है ओनली फोर्थ फॉलोज, नहीं, ओनली थर्ड ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलोज, तो ये मेरी चीज़ सही है, तो मेरा ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा 3 कि ओनली सेकंड फॉलोज, तो मेरा यहाँ पे देखो इस तरीके से हम क्वेश्चन जहाँ ज़रूरत पड़े केस बनाने की वहीं बनाओ, वरना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि बिना केस बनाए भी काम चलने लग जाएगा, ठीक है। बाकी इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, उसको हम कर लेते हैं ताकि आपकी जो ये 3-4 स्टेटमेंट वाले 3-4 कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएं। उसके बाद हम इसके इस अगले जो वीडियो होगा इसका भी एडवांस लेवल हम करने वाले हैं, जो बैंकिंग के जो मेंस में भी आ रहे हैं क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर आया हुआ है देखो, ऑल सॉलिड्स आर लिक्विड, सम लिक्विड्स आर गैसेस और ऑल गैसेस आर वेपर्स, तो इसका बना लेते हैं, ऑल सॉलिड्स आर लिक्विड्स, ठीक है, सम लिक्विड्स आर गैसेस, ये हो गया सम लिक्विड्स आर गैसेस और ऑल गैसेस आर वेपर्स, ये हो गया मेरा फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है कि सम वेपर्स आर लिक्विड, सम वेपर्स आर लिक्विड, देखो ये बिल्कुल सही है, बनेगा ही बनेगा क्योंकि सम लिक्विड्स आर गैसेस था, बिल्कुल था, सम लिक्विड्स आर गैसेस था और ऑल गैसेस आर वेपर्स था, तो ये हमेशा एक एरिया ऐसा बनेगा ही बनेगा जो लिक्विड और वेपर आपस में शेयर करेंगे, तो ये तो सही हो गया मेरा, ठीक है। सम ये हो गया, ठीक है, सम वेपर्स आर सॉलिड, सेकंड कंक्लूजन को देखिए आप, सम वेपर्स आर
सॉलिड्स, देखिए सम वेपर्स आर सॉलिड, हो सकता है मैं इस वेपर को सॉलिड के अंदर घुसा सकता हूँ, ये दोनों शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों करूँ जब मुझे एक केस ऐसा मिल रहा है वेयर सम वेपर्स आर नॉट सॉलिड, जहाँ पे कुछ वेपर सॉलिड नहीं है, ऐसा केस मुझे मिल रहा है जहाँ मैं कंक्लूजन को गलत कर सकता हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ, करूँगा ना उसको, तो फिर मैंने आपको यही चीज़ सिखाई है, ठीक है। तो सम वेपर्स आर डेफिनेटली नॉट सॉलिड, समझ गए, मतलब कि हमेशा सम वेपर्स आर सॉलिड नहीं होंगे, बस ये करना होता है हमें। थर्ड देखिए, सम गैसेस आर सॉलिड, सम गैसेस आर सॉलिड, देखिए वही चीज़ है फिर से, गैसेस और सॉलिड्स आपस में शेयर कर सकते हैं, देखिए कैसे, आप एक बार देख ही लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं बार बार। ये मैंने बना दिया है लिक्विड, ठीक है, ये सम लिक्विड्स आर गैसेस और ऑल गैसेस आर वेपर्स। देखिए अब यहाँ पे सम गैसेस आर सॉलिड होगा, लेकिन क्या हमेशा होगा, हर केस में होगा, हर केस में नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा केसेस है जहाँ पे कुछ सम गैसेस आर नॉट सॉलिड्स, तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हम एक केस और नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक केस बनाने में ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो सम गैसेस आर सॉलिड्स हमारा गलत हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ गया सम लिक्विड्स आर वेपर्स, तो सम लिक्विड्स आर वेपर्स, देखो ये तो वही हो गया, पहला जो कंक्लूजन था सम वेपर्स आर लिक्विड्स, इसका मतलब ये भी तो होता है कि सम लिक्विड्स आर वेपर्स, कुछ वेपर लिक्विड हैं, इसका मतलब यही है कि कुछ लिक्विड वेपर हैं, तो बस यहाँ से ये भी सही है, चाहे आप यहाँ से चेक कर लो कि सम लिक्विड्स आर वेपर्स या सम वेपर्स आर लिक्विड्स, ये रहा देखो एरिया, ये मैं आपको पहले ही फर्स्ट कंक्लूजन में ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखो मेरा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, जो बोल रहा है ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलोज, तो ऑप्शन जो है मेरा फोर्थ यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फोर और कंक्लूजन फोर में कंफ्यूज मत होना, कंक्लूजन्स के जो पॉइंट्स हैं वो अलग हैं और ऑप्शंस के जो 1, 2, 3, 4 हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने 3-4 स्टेटमेंट और 3-4 कंक्लूजन को यहाँ पे किया है। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा केसेस, 4-5 स्टेटमेंट, 4-5 कंक्लूजन और मेंस के जो बैंकिंग के क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पे ट्राई करेंगे करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा है तो अदर एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए, बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो आप कीजिए, ताकि आपका जो सिलॉजिज्म आप करने जा रहे हो वो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।